अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, तीसरी जमात में हमने हमारा सबक कितने अकसाम के जानदार है इसको पढ़ा। इसमें हमने देखा कि बहुत सारे मुख्तलिफ अकसाम के जानदार है। हम देखते हैं कि कुछ जानदार जो है जमीन पर चलते हैं, कुछ पानी में रहते हैं तो कुछ हवा में उड़ते हैं। हमने देखा कि अलग अलग जानदारों की जो जिस्मानियत होती है वो अलग अलग होती है। कुछ जानदार जो होते हैं छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। इसके अलावा अलग अलग जानदारों के जो रंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसी के साथ साथ जो कुछ जानदार होते हैं हमारे काम में आते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस, ये जानदारों से हमें हमारी गिजाई अशिया हासिल होती है। इसी के अलावा जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे कि चूटियां हुई, तितली है, इसके साथ साथ में और दूसरे जो हम बारिश के मौसम में कीड़े देखते हैं छोटे छोटे, इन सबको कीड़ों की जो किस्म है उसमें शामिल किया गया है। अभी तक हमने देखा कि कितने अकसाम के जानदार है। अब हम देखेंगे कि जानदार के जो बच्चे पैदा होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और उनके मरहले कौन कौन से होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो मुर्गी का बच्चा निकलता है वो अंडे से निकलता है, इसी के साथ साथ में जो बकरी का बच्चा होता है वो सीधे अपनी माँ के पेट से पैदा होता है, बराबर। मगर क्या आपने कभी तितली के अंडे से लार्वे पर निकलते देखा है? ऐसे ही कुछ सवाल का जवाब अब हम हमारे सबक में ढूंढेंगे, जिसका नाम है जानदारों का दौरे हयात। दौरे हयात से क्या मुराद है? दौरे हयात यानी किसी भी जानदार के पैदा होने से लेकर उसके मौत तक का अर्सा दौरे हयात कहलाता है। तो आइए अब हम इस सबक में इसके बारे में पढ़ेंगे।